नीचे दाब रहे, नहीं तो लैपटॉप छोड़ दे सकता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि वीकेंड में एक छोटा सा प्लान बन गया। प्लान इसीलिए बना क्योंकि देहरादून में हमारे जान पहचान के एक दोस्त हैं, उनके घर में एक शादी है। तो हमने सोचा इस प्लान को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, हम पहले पहुंचते हैं और देहरादून के आसपास की जगह मसूरी भी कवर करते हुए दिल्ली वापस आ जाएंगे। हालांकि प्लान बहुत छोटा है, घड़ी में आप ऑलरेडी देख सकते हैं करीबन 11:30-12 बज रहे हैं। पीक टाइम की वजह से कश्मीरी गेट से हमें कोई भी बस की टिकट नहीं मिली। फाइनली जब 12 बजने वाले थे तो हमने पीयूष को फ़ोन किया और पीयूष को फ़ोन करने के बाद हमने रिक्वेस्ट की कि उसकी गाड़ी हमें अगर वो दे दे तो हम फटाक से जाकर ट्रिप कंप्लीट करके आ जाए। बस और क्या था, कश्मीरी गेट से हमने ऑटो ली धौलाकुआं के लिए। धौलाकुआं पहुंच गए तब तक पीयूष भी वहां पे पहुंच चुका था। पेट्रोल पंप पे पीयूष ने पहले से गाड़ी में तेल भरवा के रख दिया था। हमने फटाक से गाड़ी के एयर प्रेशर चेक किए और अब हम निकल पड़े हैं देहरादून के लिए। अमित जी थोड़ा बताओ तो क्या रूट पे जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? ये वाला रूट जो देहरादून का इन्होंने अभी नया बनाया, जो मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, तो यहाँ से मेरठ जो है 1.5 आवर में मेरठ हम पहुंच जाएंगे। अच्छा। उसके बाद मुजफ्फरनगर, फिर मुजफ्फरनगर से एक बहुत ही प्यारा 4 लेन हाईवे कटता है देवबंद सहारनपुर का, और बस सहारनपुर के बाद सीधे जो है देहरादून लग जाता है। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। हम दिल्ली रिंग रोड में हैं। हाँ, दिल्ली नहीं छोड़ पाए अभी तक। यहाँ से हम बारह पुला पकड़ेंगे। अभी दिल्ली नहीं छोड़ी, बारह पुला से फिर हम मेरठ हाईवे जो सर बता रहे हैं। ये कौन सा टोल टैक्स है? ये मेरठ वाला, मेरठ के टोल टैक्स में। टाइम रात के 2 बज रहे हैं मीरठ के टोल टैक्स पे। मोंटू भाई कन्वर्ट कर रहे हैं हम, कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट नहीं कर रहे, ड्राइविंग पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये अमित जी बैठे हुए हैं, ये मोंटू। फाइनली वहां से मीरठ से निकल पड़े थे, उसके बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अभी हम लोग पहुंचे हैं वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। पास में आप अमित जी को देख पा रहे हैं, मोंटू को देख पा रहे हैं। डिस्टेंस यहाँ से करीबन 3-3.5 घंटे का है, बट हालांकि हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, चाय वाय पियेंगे और दादा मेरे को वहाँ पे हाथ दिखाए जा रहे हैं, कह रहे रुक जाओ रुक जाओ। वो फास्ट टैग के लिए 110 रुपए लगेंगे अभी फास्ट टैग में। जाऊं सर, अब जाऊं? चलिए, थैंक यू। एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया और इसके बाद अमित जी ड्राइव करेंगे और आपसे मैं सीधा मिलता हूं देहरादून में। सो बज रहे अभी 6:30, हम घर से निकले थे 9:30 बजे अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद तो आपको बताइए कि काफी मिस हुआ, और वो मिस मतलब हमने बस छूट गई, बस नहीं मिली काफी कुछ रहा। एंड देन फाइनली हमारे दोस्त पीयूष ने हमें गाड़ी दे दी पूरी एड्रेस, और ये मोंटू और अमित जी हम लोग सब पहुंच चुके हैं होटल जहाँ पे अभी वी आर प्लानिंग टू स्टे। रूम देख लिया है, गाड़ी अभी साइड करके लगाते हैं और फिर फ्रेश होंगे, देख लेंगे वो पहाड़ जो पीछे है ना, वो दैट इज मसूरी एरिया, अभी जाएंगे उस तरफ। तो देखते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 9:15, हम आके सो गए थे। ये बिस्तर का हाल देख पा रहे हो, अमित जी बाहर गए हैं, मोंटू मेरे साथ है, सब फ्रेश हो चुके हैं। अभी हम मसूरी के लिए निकलने वाले हैं। मसूरी इज अबाउट कितना घंटा बस? हाँ, 30 किलोमीटर, लेस देन 30 किलोमीटर। ये देखो अमित जी भी आ गए। और चाय पानी? चाय पानी का बस कर रहा हूँ बंदोबस्त, थोड़ी देर में हो जाएगा। चलिए 5 मिनट तो बस। 9:15 घड़ी पे आप देख सकते हैं, फटाफट करते हुए निकलेंगे अपन। मसूरी जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लिया, इस ढाबे पे रुके हैं और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे। कैमरा पता नहीं कितना जस्टिस कर पा रहा है, अनइमेजिनेबल। नरेश जी बताइए ना थोड़ा। ये देहरादून है, अभी आप जहाँ हैं वो देहरादून है। देहरादून, दून का मतलब होता है घाटी। यहाँ पर केवल देहरादून ही नहीं है, कई तरह के दून हैं, कोटली दून है और भी कई तरह के दून हैं, आपको मालूम है। ये देहरादून है, ये इतना बड़ा घाटी है कि इसको कैपिटल के लिए चूज़ किया है। देहरा क्यों है इसका नाम, ये भी तो बता। देहरा इसलिए, ये डेरा है, बेसिकली ये डेरा है, और डेरा यहाँ पर गुरु राम राय जो थे ना, जो सिख के गुरु हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर कभी डेरा बनाया था अपना, लेकिन क्योंकि ये घाटी है तो ये देहरादून है। और जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, देहरा बोलते थे, देहरा नहीं बोल पाए, तो ये अल्टीमेटली आज की डेट में देहरा है।
हाँ, नाश्ता ख़त्म, गाड़ी स्टार्ट करनी है और मसूरी की तरफ बढ़ना है। आई थिंक अनदर आधा घंटा और लगेगा हमें पहुँचने में, तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। ये लोग सब थोड़ा सा वॉशरूम गए इन द मीन टाइम। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। दैट इज़ मसूरी कैप्चर नहीं हो पा रहा है, वो बहुत बादल हो रहे हैं। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ ब्लू वाला एरिया, तो वहीं पर अभी हम जा रहे हैं। बीस पच्चीस मिनट से अमित जी हम लोग सब बैठे हैं और बाकी नरेश जी और मोंटू सब आगे गए हैं। ट्रैफिक काफ़ी है, लग नहीं रहा है कि आधे घंटे से पहले भी कुछ हो पाएगा। सो वी रियली डोंट नो। और यू टर्न लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे अगर पार्क करके ऊपर मॉल रोड की तरफ जाते हैं उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। सो एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते, मौसम इन्जॉय कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर ले रहे हैं, बादल गाड़ी के अंदर से घुस के निकल जा रहे हैं, ऐसा एक फील हो रहा है, बट हैं बादल दिख रहे हैं उधर, और बस यही सीन है। और अमित जी अपने एक्सपीरियंस से तो बता रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है 20 मिनट आधा घंटा कब खुलेगा, तो देखते हैं। विल स्टे लाइक दिस। फाइनली पार्किंग मिल गई है और अभी हम पैदल जा रहे हैं, ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं और मॉल रोड की तरफ पार्किंग मिलने में काफ़ी वक्त लगा। जाम नीचे देखिए, अभी भी ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा भरा पड़ा। सो आई थिंक वी मेड अ 3 किलोमीटर का जाम था। हाँ, गुड डिसीशन कि हमने गाड़ी लगा दी। पहले पार्किंग की कुछ जगह हैं, आप लोग वहाँ पार्क कर सकते हैं अगर आप मॉल रोड आ रहे हैं। 200 रुपये फ्लैट रेट, और फिर पैदल आप मॉल रोड को इन्जॉय कर सकते हैं। ये उतरने का ट्रैफिक देखिए, वहाँ से पूरा भरा हुआ है। सो फाइनली हम मॉल रोड में पहुंच गए हैं और द पर्पस इज टू एंजॉय। अभी हम थोड़ा सा बस एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या खाने को मिलता है और क्या हम खेल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लगाया सीधा। साइकिल रेंट पे मिल रही थी तो ट्राई करने के लिए इस फैट बाइक को लिया हमने, तो अभी इसको थोड़ा सा चलाया मैंने और आगे भी अभी चलाता हूँ, ट्राई करके देखते हैं कैसा आ रहा है। चारों तरफ बादल ही बादल, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हनीमून नहीं है होटल से, नहीं हनीमून नहीं जा रहे, एक चढ़ाई का रास्ता है। नहीं जी बताइए तो थोड़ा कहाँ जा रहे हैं, क्या है ऊपर? हम लोग जा रहे हैं गनहिल पॉइंट। अच्छा, उसको कैमल्स बैक भी कहते हैं वो, क्योंकि उधर से कैमल के बैक जैसा दिखता है। यार ये फोटो ले लेते हैं। आप जब भी पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन, पैशन, ये सब चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो आप घूम नहीं सकते। हमने सबसे कठिन रास्ता लिया गन पॉइंट पे जाने का, हमने रोप वे की टिकट काटी और आने वाले 10 मिनट में हम सबसे ऊपर पहुँचने वाले हैं। सो ये रहा वो गन पॉइंट वाला एरिया, छोटा सा मार्केट एरिया है और उस तरफ पता नहीं क्या है, जाके देख रहा हूँ मैं। बारिश शुरू हो गई है, गन हिल पॉइंट पे है, गन पॉइंट। आपके कैमरे से नहीं आएगा, चिंता मत करो। अरे नरेश, बारिश की वजह से गन हिल को हम प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए, मगर कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत अच्छा मौसम था, हम इस कैफे में बैठे, हमने प्रॉपर लंच किया एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। मसूरी का चैप्टर डन, अभी वी आर प्लानिंग टू गो बैक टू द होटल और उसके बाद फ्रेश होंगे और शाम को हमारे फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो वो देहरादून से ही है, तो हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कल सुबह एक वाटरफॉल है, वहाँ जाएंगे ऐसा सोचा है, एंड देन ऑब्वियसली दिल्ली बैक का प्लान है। The next day, होटल से चेकआउट हो गया है और सब रेडी हो चुके हैं। ये
मांडू अभी हम लोग जाने वाले हैं मालदीव की तरफ, गाड़ी थोड़ी सी साफ़ कर लेते तो बेहतर होता, बट हालांकि अभी कुछ है नहीं, तो यही है अमित जी बस चेकआउट का प्रोसेस कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब है वही सारा फाइनेंस उनके पास है, और करते हुए अभी आगे बढ़ेंगे और फिर बस कुछ ही घंटों में दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, ये है अभी का प्लान। और बस ब्रेकफास्ट तो सुबह ही कर लिया था और बस कुछ नहीं यार, यही इतना ही सीन है, और अभी टाइम के हिसाब से तो सुबह के करीबन 11:30 बज रहे हैं और मौसम सही है, देहरादून मुझे तो बहुत प्यारा लगा, और वो पीछे बादल हो रहे हैं, अगर कैमरा थोड़ा भी जस्टिस कर पाता, अगर मैं दिखा पाता हूँ आपको, वो जो ऊपर वाला एरिया है ना वहीं पर हम लोग थे, मसूरी वाला एरिया है, मतलब मसूरी वाला रूट एक्चुअली। पहुंच गए हम मालदीव का पीछे था लोकेशन, और ये थोड़ा सा आगे आ गए करीबन 2 किलोमीटर, और ये थोड़ा पिकनिक स्पॉट वाला एरिया है, बीच में से एक नदी बह रही है तो लोग बैठे हैं चारों तरफ, तो हम भी अभी जा रहे हैं हाफ पैंट्स पे बैठने वाले हैं और नदी में पैर डुबाने वाले हैं, तो नेचर का पूरा आनंद लिया जाएगा, तो यह भी सीन, बाकी तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बहुत मज़ा आया, बॉडी में काफ़ी दर्द भी हो रहा है, और इस जगह में लाने वाले हमारे नरेश भाई हैं, नरेश भाई को आपको मिलाता हूँ अभी थोड़ी देर पहले, तो थैंक यू सो मच नरेश भाई को इस चीज़ के लिए। इन द मीन टाइम मोंटू सामने दिख रहा है, अमित जी बताइए नरेश भाई को लास्ट में दिखाएंगे हम लोग जिन्होंने जगह हमें दिखाई। नहीं नहीं क्या था लगा वीकेंड में ट्रिप? हाँ ये ज़बरदस्त है, ये क्या नाम है, लालपुल, लालपुल मालदीव का जगह का नाम है मालदीव का, और शानदार है, यहाँ पर जो है हमने तकरीबन 1 घंटा पानी में बिताया, और ये हमारे दोस्त हैं नरेश जी, अब मिलाते हैं अपने स्टार से जिन्होंने ये जगह हमें दिया, ये मैगी खाते हुए पहाड़ों वाली मैगी एक्सप्लोर किया। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत साथ दिया, कर सकता बस अभी मैगी खा रहे हैं और ख़त्म, अब हम अपने दिल्ली शहर की तरफ दूर निकल जाएंगे, आई थिंक 1.5 घंटा में और निकल जाएंगे, और फिर वहाँ जाके ऑक्सीजन की कमी, पॉल्यूशन ज़्यादा, ये सब चलेगा ज़िंदगी में दोबारा, और नरेश भाई यहीं पर सेटल हैं, वो इन्जॉय करते रहेंगे, तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड करने से, थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने ये वीडियो देखी, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पर, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। हाँ ये बात बताना भूल गया था कि ये ब्लॉग वर्टिकल नहीं है, मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, इसीलिए इस ब्लॉग को मैंने वर्टिकल शूट नहीं किया, नॉर्मल पोर्ट्रेट में है, तो आप लोग फुल HD में, बड़े TV में, मोबाइल पे, कहीं पे भी इस चीज़ को फुल साइज़ में एंजॉय कर सकते हैं, तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।